प्रशासन की लापरवाही, दूसरे की जमीन तीसरे के पास, तीसरे की जमीन पहले के पास। 200 किसानों का जमीन एक दूसरे के पास चले जाने का अजब मामला सामने आया है। ये क्या इस गांव के किसानों को पिछले 20 वर्षों से एक दूसरे से करना पड़ रहा झगड़ा? 200 किसानों की जमीन त्रुटि से आए दिन हो रही विवाद से किसान परेशान। किसी किसान की जमीन किसी और के पास चले जाने का अजीब मामला सामने आया है। ये हाल है धमतरी जिले के मोहलाई ग्राम के। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सूबे में सबसे ज्यादा धान के पैदावार अधिक होता है, यही कारण है प्रदेश को धान का कटोरा कहता है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग किसानी कर जीवन यापन करते हैं। इस बीच बड़ी अजीब मामला सामने आया है। मोहलाई गांव के सभी किसानों की जमीन पिछले एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 20 वर्षों से नाम एक दूसरे पर चले गए हैं। आलम यह है कि किसानों में रोजाना विवाद हो रही है। खेतों में फसल उगा रहा, लेकिन जैसे कटाई के वक्त आते ही एक दूसरे किसान बंदोबस्त में त्रुटि के चलते फसल पाने के लिए झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ के किसान किसानी तो कर रही है, लेकिन खेत व फसल को एक दूसरे में अपना अपना बताने में लगे हुए हैं। खेती करना या ना करना एक समान सा हो गया है, लिहाजा आए दिन लड़ाई झगड़े से किसानों को नुकसान के साथ साथ मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रही है। दरअसल जिला मुख्यालय से करीबन 16 किलोमीटर दूर मोहलई गांव है, जहां की जमीन में त्रुटि होने से गांव में विवाद का माहौल हमेशा बना रहता है, और ये तब बढ़ जाता है जब फसल लगाई और कटाई के समय नजदीक आता है। बताया जाता है ग्राम में 200 किसान हैं जो अपने पुरखों के जमीन पर खेती किसानी करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है आज गांव के किसानों की जमीन त्रुटि होने से खेती कर रहे या नहीं कर रहे एक समान हो गया है। बीते 2 दशकों से किसानों को महज इस बात को लेकर रोजाना झगड़ा करना पड़ रही है कि ये फसल मेरा खेत पर है, तो दूसरे किसान कह रहा है ये खेत फसल मेरा है। फिर क्या शुरू हो जाते हैं विवाद, फसल कब्जा को लेकर हमेशा बनी रहती है विवाद का माहौल। इन्हीं विषय के कारण से झगड़ा ही नहीं बल्कि कभी कभी मारपीट में उतर जाते हैं। किसान धान लगाता है, फसल कटाई कर अच्छी खासी दाम पर बेचने के लिए जाहिर है जो किसान फसल उगाएगा वो फसल और दाम भी उन्हीं का होता है, लेकिन मोहलाई गांव में ऐसा नहीं होता। यहां किसान फसल लगाते हैं तो विवादों से शुरू होते हैं, और जब फसल कटाई के वक्त भी कटाई विवादों से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद एक दूसरे फसल कब्जा करने के लिए विवाद ही नहीं बल्कि मारपीट पर भी उतर जाते हैं। किसान फसल को अपना अपना बताने में लगे हुए हैं। ग्रामवासी इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन व राजस्व विभाग से कर चुका है, लेकिन अभी तक इस बंदोबस्त त्रुटि को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया गया। एक तरफ सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक योजना ला रही है, लेकिन मोहलाई गांव के किसानों को योजना का लाभ उठाना तो दूर, पहले जो फसल लगाए हैं वो उन्हें मिलना मुश्किल हो गया है, तो योजना का क्या लाभ उठा सकता है। जब फसल लगाने का समय आता है तो किसानों का निगाहें जमीन की ओर जाने लगता, इस दौरान विवादों में अन्य रोज के मुकाबले ज्यादा गहरा जाता है। जमीन एक दूसरे के नाम पर चले जाने से फसल को लेना मुश्किल हो चुका है। किसानों ने बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। इधर कलेक्टर ने मामले का जांच कर त्रुटि सुधारने का आश्वासन दिया है। किसानों में 20 वर्षों से लगातार विवाद बरकरार है। इस त्रुटि विवाद भले ही बदस्तूर जारी है, लेकिन नुकसान भी भारी हो रही है। किसानों को फसल को लेकर अपने अपने कहने में लगे होने से नुकसान का सामना करने को मजबूर है। यहाँ खेती किसानी के लिए बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रहा है सर। यहाँ क्या है, बंदोबस्त विभाग से टूटी हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, इस संबंध में आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं कि इस संबंध में त्रुटि सुधार जो हुआ है बंदोबस्त विभाग से उसको पुनः एक बार त्रुटि सुधार के लिए किया जाए। त्रुटि वही हुआ है सर कि दूसरे किसान किसी का जमीन किसी में निकल रहा है तो किसी का किसी में, इस कारण से ना आए दिन किसानों में ज्यादा विवाद हो रहा है सर। जी सर, जी सर, इसका शिकायत कर चुके हैं, डिवीजन ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे, लेकिन अभी 20 साल हो गए सर। जी सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अच्छा, तो बहुत समस्या है। जी, हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस संबंध में विशेष ध्यान दे और जो हमारे गांव की समस्या है उसको सुलझाने के प्रयास करें। मतलब आप लोग फसल नहीं बो पा रहे हैं? फसल बो रहे हैं सर, लेकिन किसी का किसी में जा रहा है, इस कारण से आज दिन विवाद हो रहा है सर। मानो फसल बोने बराबर नहीं, बोने बराबर नहीं है सर। बहुत बहुत झगड़ा हो रहा है और ना कोई सुने भी नहीं करे ना। वो जमीन भी राहत नाम में निकल गए थे तो जमीन तीरा किसी ने कहा है,
अपन हमन नाम लिख ली मतलब हमार के अपना ले थी जमीन में पुरखा खा था ना मन इंचे के हरन तब और बेटी में हरन इंचे जन्म है तब उसमें चला था थी हा। और का है ना मन नाम में लिख ला के कहा थे और वही बोल भी नहीं ना उठा दूसरे बेच देती सब चीज के पानी के ये के खेती खाद सब के बारे से रोजगार माल खा थे काचा अपना जल्दी सुधारो बीस साल से अभी तक नहीं हुए काका लापरवाही मांग सकते हैं काका लापरवाही मानते तुम मन है बीस साल से अभी तक काला सुने नहीं हुई अब नहीं सुने अब कहा तो थक जब है नया बोलता तो सब जगह चल दे सुने से नहीं हुए हमारे यहाँ पुरखा की जमीन जो बहुत खात रहे वो एक दूसर दूसर के नाम में चले गए हैं वही चीज के ना सुधार के लिए आवेदन लगाए बाकी कुछ नहीं हो रहा है अभी तक वही चीज के यह चाहिए सीमांकन चाहिए इसमें क्या क्या समस्या हो रहा है इसमें जमीन नाम दूसरे दूसरे में चले गए ना पुरखा से बहुत खात आ रहे हैं वो दूसर के दूसर के ऐसे नाम में चले गए 200 के आसपास है मतलब अभी 50 बोने बहुत दिक्कत जा रहा है खेत खा रहा है कर ऊपर नाम में चले गए है टूटी सुधार गांव में कितना किसान है 250 तो क्या समस्या हो टूटी हो गए थे पूरा सुधारना है कि अपन अपन नाम में लाना है एक दूसरे के नाम में चले गए है झगड़ा लड़ाई आए दिन तो एक समस्या के बारे में कोई पहली बता रहे हो कुछ सुनाई नहीं हो तो फसल बोआ तो नहीं बोआ सब एक बराबर हो गया बोता लेकिन वही झगड़ा लड़ाई एक दूसरे के मोर में आगे तुम्हें धरत हो पुरखा से बहुत खाता था कल मतलब ताकत हुआ बंदोबस्त अगर त्रुटि है तो उसको एक बार चेक करवा लेना पड़ेगा टीम बना के और जैसी टीम बना के उसको चेक कर लेंगे उसका फिर निकाल देंगे